ये पूरा मामला हुआ था, कब हुआ था और आपको? 15 तारीख को मैं और मेरे फ्रेंड एफसी रोड पे बर्गर किंग में बर्गर खाने के लिए गए थे। हमने 4 बर्गर की ऑर्डर की थी, 3 नॉन वेज 1 वेज। फिर ऑर्डर आने के बाद हमने जैसे ही खाना स्टार्ट किया तो पहले ही निवाले में मुझे चुभना स्टार्ट हुआ, तो मैंने कोल्ड ड्रिंक पिया, उसके बाद ब्लडिंग चालू हुई। ब्लडिंग चालू होने के बाद मैंने टिश्यू पेपर से पोंछ लिया, फिर भी ब्लडिंग आ रही थी। फिर मुझे वॉमिटिंग होना शुरू हुए तो मेरे फ्रेंड ने बर्गर खोलकर देखा तो उसमें कांच थी, तो उनको दिखाया तो उनके मैनेजर आके बर्गर उठाकर लेकर चले गए। फिर उसके बाद हमको बोला कि पहले आप हॉस्पिटल चले जाओ, फिर भी वॉमिटिंग रुक नहीं रही थी, उन्होंने मुझे वॉशरूम लेकर गए। 2 मीटिंग हुई, फिर उन्होंने बोला कि आप हॉस्पिटल जाओ, हम आते हैं पीछे से। फिर मेरे दोस्तों ने मुझे दीनदयाल हॉस्पिटल में लेकर गए, फिर वहाँ पे पेन किलर का इंजेक्शन वगैरह दिया। उन्होंने बोला कि यहाँ पे एडमिट करते नहीं आएगा, आप सह्याद्री नहीं तो पुणे हॉस्पिटल लेकर जाओ। फिर सह्याद्री में आने के बाद वहाँ पे ट्रीटमेंट चालू की, वहाँ पे मेरा जो सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, फिर उन्होंने बोला कि आपको आईसीयू में एडमिट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद फिर मेरे डैड घर वाले वगैरह सब आए तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तो एडमिट करने के बाद तो उन्होंने बोला कि 30,000 पहले आपको आईसीयू के लिए भरना पड़ेगा, चार्ज करना पड़ेगा। तो उतने पैसे नहीं होने की वजह से मुझे ओपीडी रूम में ही सलाइन वगैरह चालू किया उन्होंने। 2 सलाइन लगाने के बाद थोड़ा मेरे सांस में फ़र्क आ गया,